हेलो गाइस, फिर से एक बार वेलकम मेरे न्यू यूट्यूब गेमिंग चैनल GOG पर। गाइस, आप सभी से एक शिकायत है यार, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। आप सपोर्ट करोगे तभी तो मेरा चैनल प्रोग्रेस करेगा। सो गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जितना हो सके यार शेयर करो, बस फैला दो, बस बहुत हुआ प्रमोशन। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। पबजी गेमर्स तो बहुत ध्यान से सुनना, आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आप नूब से प्रो बनाएगी। 5 टिप्स दैट से यू आर अ नूब और अ प्रो। नंबर 1, तो गाइस सबसे पहले चीज़ आती है टीम लीडिंग। अगर तुम स्क्वाड में खेल रहे हो तो यार टीम लीडिंग जरूर करो। जैसे कि एक स्नाइपिंग एक्सपर्ट होगा, एक पुश करेगा, एक मिड रेंज शूटर होगा, एक ऑलराउंडर। नूब क्या करते हैं, नूब्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, बस खेल रहे हैं और खेल रहे हैं और खेल ही रहे हैं। नंबर 2, पीक। तो यार पीक का यूज़ तो बहुत अच्छे से करो। कभी भी एक प्रो गेमर पीक कंटिन्यूस नहीं लेता, वो हिलता रहता है, पीक ऑफ ऑन करता रहता है, जिसे सामने वाला बंदा स्पॉट ना कर ले। एक नूब पिक करके कहो देखता ही रहे, फिर तो भैया कौन मार जाए पता ही ना चले। नंबर 3, यूज़ ऑफ नेड एंड स्मोक। नूब को तो ये भी नहीं पता होता कि स्मोक और नेड करने कब हैं, बस सामने वाला बंदा है जी, ग्रेन लो और फेंक दो। नहीं यार नहीं, पता है एक प्रो गेमर क्या करता है, छुप के पहले ग्रेनेड कुक करेगा, जब 2-3 सेकेंड रह जाएंगे तब फेंकेगा। और स्मोक का यूज़ तो वो बहुत अच्छे से करते हैं, अपने टीममेट्स को रिवाइव करने में या एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करने में करते हैं वो। प्रो तो प्रो होता है यार, क्या कह रहे हैं। नंबर 4, टोनिंग। एक बात बोलूँ, सच्ची बोलूँ, अगर आप ये पहली बार सुन रहे होगे तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पता है 200-300 मीटर से ज़्यादा दूर कोई बंदा अगर प्रोन करता है तो ग्रास रेंडर नहीं होती कभी, मतलब बंदा साफ साफ दिखेगा, बंदा साफ साफ चमकता है। तो यार अगर किसी बंदे में तुम्हें स्पॉट कर लिया है और वो किसी 200-300 मीटर से दूर है तो कभी प्रोन मत करो, प्रोन लास्ट सर्कल में करो ज़्यादा करके। नंबर 5, लूट। एक प्रो स्क्वाड पता है क्या करता है, एक को किल करेगी और उसकी लूट एक बंदे को मिलेगी या सब थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। और नूब की टीम तो यार बस बंदा मारा नहीं, क्रेट दिखी नहीं, ऐसे भागते हैं जैसे शादी में पैसे बटते हैं, बस कोई उनका सफाया कर जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही, शायद ये टिप्स आपके काम आएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।